प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे आप जानते हैं कि हर वक्त बात की जाती है, डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, गांव तरक्की कर रहे हैं, गांव डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा देश बदल रहा है, हमारे गांव बदल रहे हैं। तो मैं इस वक्त वोल से थोड़ा पीछे हूँ, वोल टू जो सेंगपोरा की सड़क पे तारकोल का काम हो रहा है, मैं आपको थोड़ा वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दृश्य दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं 2-3 दिन पहले ये तारकोल यहाँ पे बिछाई गई थी। आप खुद भी देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि किस तरह ये तारकोल जो है उखड़ रही है। जैसे सिर्फ ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ये मिट्टी के ऊपर जो है तारकोल बिछाया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरह ये लापरवाही बरत रही है, किस तरह आवाम के पैसों के साथ ठेकेदार और डिपार्टमेंट के कुछ मुलाजमीन खिलवाड़ कर रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह मिट्टी के ऊपर सिर्फ तारकोल बिछाई जा रही है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिट्टी के ऊपर ये तारकोल बिछाई जा रही है। तो देखा आपने ये दृश्य, आए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। जो है सिंगपोरा का, तो इसमें दो बार इन्होंने ये मटेरियल नीचे बिछा दिया है। अब जो फर्मों की ज़रूरत थी, जो लेबर करती है फर्में बना के, फिर वो फर्में बिछाते हैं, उसके बाद इसको तेल मिट्टी वगैरह डाल के फिर लुक डाला जाता है, तो ऐसा इधर नहीं हुआ, जो कि आप खुद भी वहाँ पे देख सकते हो। ये कल की डेट में इधर डाला गया है और वहाँ पे अभी फटा हुआ है रोड। तो जैसे इंसान चलते हैं तो ये उठ जाता है, जब यहाँ पे बर्फ़ आएगी तो जब कोहरा हो जाएगा तो इसने तो सारे ने उठ जाना है। ये सरासर डिपार्टमेंट की नालायकी है कि जिसने ठेकेदार को यहाँ पे आके नहीं देखा। अब ठेकेदार की इसमें यही गलती है कि ठेकेदार को 4 पैसे की ज़रूरत है, वो 4 पैसे बचाने में खुश है, जब डिपार्टमेंट इधर आया नहीं, गरीब लोगों का इधर देखा नहीं, तो ये खस्ता हालत है हमारे लोग की। मैं गुजारिश करता हूँ मीडिया से कि वहाँ से ज़रा जूम करके दिखाएं कि अभी लोग की क्या हालत है। ये तो आज की बात है, कल की डेट में ये लोग इधर डाला गया है। शुक्रिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वर्ल्ड टू सेंगपोरा रोड की है, जिस रोड पे तारकोल का काम चल रहा है। ये आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले यहाँ पे ये तारकोल जो है बिछाई गई थी। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि आधी इंच से भी कम तारकोल जो है, और मिट्टी के साफ मिट्टी के ऊपर जो है ये तारकोल बिछाई गई है। आप तस्वीरों के जरिए साफ देख सकते हैं कि किस तरह आवाम के पैसे के साथ लूटमार हो रही है। पे बिछाया इसका तो 1 साल भी नहीं निकलेगा, लेकिन मैं यही बोलता हूँ कि इसको अच्छी तरह बिठाना है। बिठाना चाहे क्या के? तो ठेकेदार की लापरवाही और जो यहाँ के अवाम है इनकी भी लापरवाही है, जो कुछ नहीं बता रहे हैं, डिपार्टमेंट की भी लापरवाही है। सिर्फ मिट्टी पे इसका तो 1-2 महीने भी नहीं निकलेंगे, फिर 5 साल की तो बात ही नहीं है। जब से पहले डालते हैं हमने देखा कि ये सब ये मिट्टी पर, ये तारकोल जहाँ सिंगपोरा से यहाँ तक बोल तक डाला है, सब मिट्टी पर डाला है। ये अच्छे तरीके से ये 2-6 महीने में सर्दियों के दिन भी नहीं इसके निकलेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें डिपार्टमेंट की भी गलती है और ठेकेदार की भी गलती है इसमें, जो अच्छे तरीके से ये रोड में डाला नहीं है, कुछ नहीं किया है, बोला डालेंगे कब से डाला, आज हम इधर आए देखे कहाँ पर गया। अच्छा आप खुद ही देख लो इसको, ये तारकोल अच्छे तरीके से डाला है, क्या किया क्या नहीं। हम गरीब आवाम के साथ हर एक काम में धोखा किया जा रहा है, हर एक काम में धोखा किया। हाँ इतना ज़रूर पता है कि ये तो मिट्टी पे डाला है, दूसरे ये आज ही हम अगर इस पे चल रहे हैं तो ये आज ही ऊपर उधर से वो कंकरें इसकी जो निकल के बाहर आ रही हैं। तो मुझे लगता है इस पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और इसके रूल्स और रेगुलेशन के मटेरियल क्या चाहिए था और क्या डाला हुआ है। तो डिपार्टमेंट की लापरवाही है, जब वो करेगा ही नहीं कुछ तो वो जब ख्याल ही नहीं रखेंगे तो हर एक इंसान तो लालची है, वो तो चाहेगा कि मेरा पैसा बचे, लेकिन डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो देखे काम किस तरह से हो रहा है। ना परवेज अपन न्यारा रोड है तो देखा आपने खुद भी ये तस्वीरें और सुना भी आप लोगों ने यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि जहाँ दावे किए जाते हैं डेवलपमेंट हो रही है, क्या यही डेवलपमेंट हो रही है जो हाथ से तारकोल उखड़ सकती है, क्या ये 6 महीने या 6 साल काट सकता है ना। और हमने आपको ये दृश्य भी दिखाए कि किस तरह जो ये तारकोल यहाँ पे बिछाया जा रहा है, सिर्फ मिट्टी के ऊपर बिछाया जा रहा है, किस तरह आवाम के पैसे के साथ लूटमार हो रही, किस तरह वो लालची ठेकेदार अपनी मोटी रकम कमाने के लिए। दीजिए इजाज़त बोल्ड वॉइस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा मैन राहुल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज़ वोल छात्रों। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।
और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।